हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है कक्षा 7 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 के हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है उसका। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो का अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो आप लोग बिहार के किसी भी ज़िला से हैं, ऑल ओवर ज़िला के लिए, ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से आप लोग को ये पेपर मिल रहा है। तो आप लोग इस पेपर को लिख लीजिए, यहीं से आप लोग का सारा पेपर रहने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोग को टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उससे आप लोग को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और साथ में आप लोग को जो मेरे नए चैनल है जिसका नाम है ऑनलाइन ज्ञान संग्रह, वहाँ पे आप लोग को जाकर के उससे विजिट करना होगा और वहाँ पर जो है आप लोग उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से भी पहले आप लोग को वहीं पे ओरिजिनल पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग वहाँ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 नंबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर पहले आप लोग को छात्र छात्रा का नाम यानी अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लेना है, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम, यहाँ पे संकुल का नाम और यहाँ पे जिला का नाम लिख लेना है। और ये जो सेक्शन आप लोग देख रहे हैं जिसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, इसमें आप लोग को कुछ नहीं भरना है। अब हम लोग 1 नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं क्या बोलता है कि खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से भरिए। तो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर में यानी इसका 1 नंबर में लिखा हुआ है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए। यहाँ पे खाली जगह था तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे निरर्थक है ना। बंद गले का लंबा कोट को कोट के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसके लिए होता है अचकन, ठीक है। अगला है इन, यहाँ पर भर देना था आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा। उसके बाद है पशु मनुष्य से निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं उसकी ऊंची नीची, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सामाजिक स्थितियों से नहीं, ठीक है। अगला है आदमी ने तना से यहाँ पे क्या बनाया था, नाव बनाया था ना। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पर आता है आप लोग का, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोलता क्या चीज़ है कि विष, विष का जो है पर्यायवाची शब्द होगा जहर गरल, ठीक है। उसके बाद भुजंग, भुजंग का मतलब होता है, इसका अगर अर्थ हम लोग देखेंगे यानी पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो सांप भी बोला जाता है इसको, सर्प भी बोला जाता है। शत्रु, शत्रु को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो दुश्मन भी होता है, वैरी भी होता है। नदी का होगा सरिता, तटीनी, ठीक है। उसके बाद आँख का जो आप लोग देखिएगा दो पर्यायवाची शब्द वो होता है नयन और नेत्र, ठीक। आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है वाजश्रवा ने किन गायों को दान में दिया, ऑप्शन क है कमजोर, ख है दूध देने वाली, दूध न देने वाली, ऑप्शन नंबर ग है बूढ़ी। तो यहाँ पे वाजश्रवा ने इनमें से सभी यानी कि इस कमज़ोर गाय का भी दान किया था, दूध न देने वाली का भी और बूढ़ी गाय का भी दान किया था, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला है एक अपराध छेमब गोर मोर जानी परसल माए पाए तुई, है ना। तो इसके आगे यहाँ पे जो खाली जगह है उसको भरना है, तो यहाँ पे आप लोग भरिएगा तो ये आ जाएगा पानी, आप लोग पढ़े होंगे ये अगर आप लोग। तो आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का प्रतिरोध का अर्थ इनमें से क्या होता है, तो प्रतिरोध मतलब होता है विरोध, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का। अगला है हम लोग देखेंगे तो हाथ फैलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अगला हम लोग देख रहे थे वो था हाथ फैलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कुछ मांगना, ठीक। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो शक्ति और क्षमा किसकी रचना है, तो शक्ति और क्षमा रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, इसलिए ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक। आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कुंभा का आत्म बलिदान पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है, तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या हुआ है, कुंभा का आत्म बलिदान पाठ से हमें हाड़ा राजपूत कुंभा के शौर्य पराक्रम मातृभूमि भक्ति और बलिदानी गुणों का पता चलता है। आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पे सवाल आता है स्त्री
और एवं पुरुष के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, अगर आप लोग इससे बेटर आंसर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच विभेद किया जाता है, जहाँ पुरुषों को अधिक मान मिलता है तो वहीं महिला को कम। हम इसको मिटाने के लिए पहले सभी प्रकार की कुरूतियों को समाप्त करेंगे, फिर उनके भेदभाव को भी, ठीक है। जैसे ही कुरूति आप लोग के समाज से ख़त्म हो जाएगा, तब से जो है स्त्री और पुरुष को समान रूप से समान माना जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को समाज से कुरूतियों को हटाना पड़ेगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। पहला नंबर है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारी की। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा नंबर का आंसर किया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आंसर में लिखा हुआ है कि लेखक के मन में जब साइकिल सीखने की बात आई तब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने साइकिल सीखने के लिए फटे पुराने कपड़ों पर पत्नी से रफू करवाया, साइकिल सिखाने के लिए उस्ताद ठीक की, साइकिल मांग करके लाए, साथ में किसी तरह की छोटी मोटी चोट से बचने के लिए दो डब्बे उसमें उपयोग होने वाली वस्तुएं लेकर के आए थे। तो ये था आप लोगों के लिए यह वीडियो। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और साथ ही आप लोग अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि एक टेलीग्राम ऐप है, अगर आप लोग जानते होंगे तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अपना जो है अपना अकाउंट बनाइए, फिर आप लोग टेलीग्राम से हमारे चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे नए चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसका नाम वहाँ पर मिलेगा आप लोग को, ऑनलाइन ज्ञान संग्रह। तो उस चैनल को भी आप लोग इस चैनल की तरह अच्छे से सपोर्ट करिए, और वहाँ पर आप लोग को सारा क्वेश्चन इस चैनल से भी पहले मिलने वाला है। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर जाकर के विजिट करिए, वहाँ पे देखिए और हमारे वीडियोस को वहाँ पे देखिए। तो आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर आप हमारे दूसरे चैनल पर जाएँगे और उसको जा कर के वहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, और वहाँ के कम से कम 2 से 3 वीडियोस आप देखेंगे पूरा पूरा, ताकि उसका जो है वॉच आवर बढ़ सके, ठीक है। तो आप लोग क्या, आप लोग अगर उस चैनल से जुड़ते हैं तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा है, तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़िए। तो आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।